नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। टाइम हो गया 4:10 दोस्तों। मैं एनालिसिस नहीं दे पाऊँगा चार्ट पे, ना ही आज ना ही कल, कहीं वीकेंड पर आउटिंग का प्रोग्राम बन गया है। परसों शाम को वापस आऊँगा, तो आते ही सबसे पहला काम मैं वीडियो बनाने का ही करूँगा, परसों यानी शनिवार वाले दिन, ठीक है। हाँ, टेलीग्राम पर अपडेट जितनी पॉसिबल होंगी वो रहेंगी कल के लिए। और यहाँ पर अभी देखिए, निफ्टी 17327 है। निफ्टी ना तो ऊपर है, निफ्टी ना तो नीचे है। फर्दर उसको जो चाल पकड़नी है वो क्लियर होगी कल के दिन ही, फ्राइडे के दिन ही, ठीक है। थोड़ा सा मूव आज तो प्रॉपर एक्सपायरी वाला मूव था, और यहाँ से काफ़ी कुछ निर्भर करेगा अब डाउ जोन्स आज क्या करता है, ठीक है। हालांकि ज़्यादातर मैं US मार्केट पर इतना रिलायबल नहीं होता हूँ, पर अगर मुझसे यहाँ पूछा जाए तो मैं लेवल्स को ही अब ट्रेड करना चाहूँगा, और बिल्कुल कोई फालतू का तेजी मंदी करनी है इस चक्कर में नहीं पड़ना है, अब नहीं पड़ना है, ठीक है। यहाँ से 17260 जो एक लो बना था, ठीक है, वो टूटा तो मामला ख़राब है, मामला जो है वो फिर पकड़ में नहीं आएगा, गाड़ी सीधा रुकेगी 16950 पे, कन्फर्म है। फिर बहुत जल्दी हम 16950 देखेंगे, 16900 से लेके 16950, ठीक है। एक जो अब चार्ट पे ही बातें हो सकती है ना, जो ABC पैटर्न है जिसको मैं सोच रहा हूँ वो बनेगा अगर मार्केट भैया 17450 को ऊपर की तरफ तोड़ देता है, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि 17300 से लेके 17450 ये 150 पॉइंट में मार्केट कहीं नहीं है, ठीक है। 17300 से लेके 17450, ठीक है, इस 150 पॉइंट में आप मार्केट में प्लीज़ ये मत जज करने की कोशिश कीजिए कि कल क्या होगा, ठीक है। अब 17450 के ऊपर निकलेगा तो आप 25-30 पॉइंट डाल के SL रख के 17600 के टारगेट के लिए ट्रेड कीजिए। अब नीचे की तरफ अगर 17300 को तोड़ के नीचे की तरफ सरकता है तो ये जो क्लोजिंग दिख रही है आपको 17327, इसको 17330 के आसपास SL लगा लीजिए और नीचे की तरफ फिर ट्रेड करिए 17200-17100 इसके बिलो के लिए, ठीक है। वो टेलीग्राम पे मैं आपको लाइवली बताता रहूँगा जो मुझे ट्रेड जैसे समझ में आएगा। ये निफ्टी का है, बैंक निफ्टी को मैं मतलब इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्रेड करने में। ऊपर 40,700-40,800 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ ये इतना गिरावट दे नहीं रहा है, ठीक है। जब तक ये नीचे की तरफ 40,140-40,150 ये जो जोन है, ठीक है, इसको इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, मेरा व्यू इसमें बेयरिश नहीं हो पाएगा। और जब तक ये 41,100 इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, जब तक व्यू बुलिश नहीं हो पाएगा। अब आती है इंट्राडे लेवल की बात, तो जब भी आपको 40,700-40,800 के आसपास मिले, वहाँ से 40,800 का SL लगा के इसको सेल करिए, और 40,200 के आसपास मिले तो वहाँ पे 100 पॉइंट का SL डाल के इसको बाय करिए। इसमें यही ट्रेड बनते हैं, इसमें और बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बनते, ठीक है। तो यही मेरा फिलहाल अपडेट है। डेटा में कुछ खास रहा तो मैं वीडियो बना दूंगा दोस्तों, अदरवाइज डेटा में भी कुछ इतना खास रहेगा नहीं जो मुझे लग रहा है। हाँ, कल इम्पोर्टेंट होगा, कल शाम को क्या डेटा आता है, ठीक है। तो यही है, और डाउ जोन्स को भी देखते हैं आज डाउ जोन्स क्या करता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।